नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। सिविल हॉस्पिटल जावरा में जन सहयोग से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली किया। लगभग 54 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट से सिविल हॉस्पिटल में 45 बेड व निर्माणाधीन महिला चिकित्सालय के 20 बेड को सेंट्रल लाइन और सिलेंडरों से ऑक्सीजन आपूर्ति की गई। शुभारंभ कार्यक्रम में सभी समाज के धर्मगुरु भी आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मौजूद रहे। सिविल हॉस्पिटल जावरा में ऑक्सीजन प्लांट व अन्य संसाधन के लिए दानदाताओं व समाज सेवियों द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि दान दी गई है। माननीय राजेंद्र पांडे जी के नेतृत्व में, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम इस कोरोना के संकट में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के कर कमलों से वर्चुअल आज उन्होंने किया है। और मैं इस मौके पर, चूंकि राजेंद्र जी ने बहुत सक्रियता से और उनके सभी सहयोगियों ने बहुत सक्रियता से काम किया है, और अनेक हमारे दानदाताओं ने बहुत दिल खोल करके जो दान दिया है, वास्तव में उनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। और बहुत सारी बातें हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर बताई है कि राजेंद्र जी के द्वारा जो यहाँ पर विकास के कार्य में या स्वास्थ्य के दृष्टि से जो अनेक काम वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहाँ पर कहा भी है और उनके करने की उन्होंने आश्वासन भी दिया है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज ये अवसर हम सबके लिए बहुत अच्छा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिरोंज पहुंचकर पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं शोकाकुल परिवार से मिलकर शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा के छोटे भाई सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा को ढांढस बधाया। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से शोकाकुल परिवार को इस असहाय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की भी प्रार्थना की। मुख्यमंत्री पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा की धर्मपत्नी व बच्चों से भी मिले और उनको भी ढांढस बधाया। सीएम के साथ कृषि मंत्री कमल पटेल भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने भी स्वर्गीय शर्मा के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की। रतलाम में वैक्सीनेशन सेंटर पर 45 से अधिक, साथ में 18 से भी अधिक लोगों की भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए यहां लोगों से लगातार अपील की जा रही है। वहीं इसी को लेकर एसडीएम अभिषेक गहलोत ने बताया कि हमारा वैक्सीनेशन का काम सतत चल रहा है, लेकिन 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग यहाँ ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। ऐसे में स्कीम निकाली गई है कि 45 से अधिक के साथ साथ एक सेंटर यहाँ पर 18 वर्ष से अधिक लोगों के लिए बगैर स्लॉट वैक्सीनेशन के भी लगाए जाएंगे, जिसका अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है और इसे हम आगे अन्य सेंटरों के लिए भी लागू करेंगे, जिससे जल्द से जल्द ज्यादा वैक्सीनेशन काम पूरा किया जा सके। में ये आ रहा है कि 18 प्लस के युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह है, लेकिन 45 प्लस का लगभग सेचुरेशन हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी शहर में 60-65% वैक्सीनेशन हो चुका था। इसलिए जो बचे हुए 45 प्लस के हैं उनको कवर करने के लिए एक तरह से हमने 18 प्लस को ही उसके लिए एक तरह से आर्मी का उपयोग किया है कि यहाँ जो स्कीम वो है कि अगर कोई 18 प्लस का व्यक्ति किसी 45 प्लस को लेकर आता है तो न सिर्फ 45 प्लस को वैक्सीनेशन लगेगा बल्कि बिना स्लॉट बुकिंग के 18 प्लस को। इंदौर में कल पर्यावरण दिवस के मौके पर सीमा सुरक्षा बल की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर 1300 से ज्यादा लोगों ने विजासन परिसर में और रेवती रेंज में विभिन्न प्रजाति के 2100 पौधों का रोपण किया। इस दौरान महानिरीक्षक अजय यादव ने बताया कि वृक्ष मानव को प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तथा पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हमारे बल के तमाम जगह पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष भारत सरकार ने वृक्षारोपण का बहुत बड़ा कार्यक्रम तय किया है, जिसमें सीमा सुरक्षा बल को भी एक बहुत बड़ा हिस्सा पौधारोपण के लिए करना है। उसी तारतम्य में हमारे एसटीसी इंदौर को 1,10,000 पौधों की रिस्पांसिबिलिटी मिली है, जिसे हम पूरी करने की अभी से शुरुआत कर चुके हैं, जिसके लिए हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और
वन विभाग की तरफ से पूर्ण सहयोग लगातार मिल रहा है। रतलाम में पुलिस पर कस्टडी में युवक के साथ गंभीर रूप से मारपीट के आरोप लगे हैं। दरअसल बड़ावदा थाना क्षेत्र के गांव ठिकरिया के एक व्यक्ति को पुलिस ने कच्ची शराब बेचने की शंका में पूछताछ के लिए थाने ले आए थे। थाने ले जाने के बाद एक घंटे के व्यक्ति को बेहोशी की हालत में तीन पुलिसकर्मी वापस उसके घर छोड़कर चले गए। परिजनों ने बेहोशी की हालत में उसे बड़ावदा फिर जावरा हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि परिजनों द्वारा पुलिस को प्रताड़ना और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल मामले पर एक्शन लेते हुए युवक के घर से लाने और वापस छोड़ने वाले तीन पुलिस जवानों को एसपी ने निलंबित कर दिया है। वहीं मृतक का पीएम पुलिस के पैनल डॉक्टरों के पैनल के द्वारा करवाया जा रहा है। ये घटनाक्रम तो पुलिस वालों ने कुछ नहीं बताई सर, वो वहाँ से ले गए हमारे सामने। हम मंदिर पे बैठे थे, राम मंदिर के सामने, वहाँ से ले गए और आधा घंटे बाद बेहोशी के हालत में लाके ने घर पटक दिया। पटक के ने चले गए साहब। उस टाइम मैं हम घर पे कोई नहीं थे, खाली मैं, उनकी मिसेज थी, उनका लड़का था। उन्होंने बताया कि पुलिस वाले आए थे। और गुना में सिटी कोतवाली में पदस्थ एक आरक्षक का युवती के साथ अश्लील डांस करते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही वीडियो में उसके साथ एक अपहरण कांड का मुख्य आरोपी भी ठुमके लगाते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वीडियो 4 साल पुराना बताया जा रहा है। वहीं अब मामले पर कार्यवाही करते हुए एसपी ने आरक्षक को सस्पेंड कर जांच बिठा दी है। दरअसल वर्तमान में सिटी कोतवाली में पदस्थ आरक्षक विनीत भारद्वाज 3 वर्ष पहले तक धरनावदा थाने में पदस्थ था। वीडियो वायरल जो हुआ है वो उसी वक्त का बताया जा रहा है। वीडियो में आरक्षक अर्धनग्न अवस्था में डांस करते हुए दिखाई दे रहा है, साथ में 2 युवतियां भी वीडियो में नजर आ रही हैं। वहीं गाड़ी के बोनट पर रखे शराब के ग्लास भी वीडियो में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इतने वर्षों बाद वायरल हुए वीडियो ने सबको अचंभित कर दिया। हैरानी की बात यह है कि वीडियो में आरक्षक के साथ एक अपराधी भी नाचते हुए दिखाई दिया। धार जिले में कुक्षी तहसील में लगातार हो रहे 2 पहिया वाहन चोरी के मामलों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने एक टीम का गठन किया और लगातार हो रही वाहनों की चोरी को पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने अभियान छेड़ दिया। इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें पुलिस ने 4 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से 19 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है, जिनकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। ये जिले में लगातार मोटरसाइकिल की चोरियों को देखते हुए हमारे धार जिले के पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह ने निर्देशित किया था कि वाहन चोरों को पकड़ना है करके। इसी तारतम्य में हमारे द्वारा एक SIT का गठन किया गया था, जो कुक्षी में थाना प्रभारी श्री गहलोत इनके नेतृत्व में, उप निरीक्षक दिलीप तड़ेवाला, थाना भाग के उप निरीक्षक टोप्पो और निसरपुर चौकी प्रभारी बिल्लोरे के नेतृत्व में उनके सहायकों के साथ एक टीम का गठन किया गया था और लगातार इनकी पतरासी की जा रही थी। इसी तारतम्य में दिनांक 4/6/2021 को 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया और जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल को चुराना कबूल किया है। इनके और भी साथी हैं जो टांडा बाग क्षेत्र में रहते हैं। इस तरह इनकी पूछताछ पर उन्होंने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उससे कुल 19 मोटरसाइकिल जिनकी कीमत करीब 25 लाख रुपये है। गुना के बाहुबलीपुरम में चैन स्नैचिंग की घटना सामने आई, जिसमें वन विभाग के रिटायर्ड वृद्ध महिला के गले से एक युवक सोने की चेन झपट कर फरार हो गया। इस घटना में वृद्ध महिला के गले पर चोट भी आई है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता अपने निवास के बाहर पेड़ों को पानी दे रही थी, इसी दौरान बाइक से आए युवक ने पीछे से उनके गले की चेन झपट ली और वहां से फरार हो गया। फिलहाल इस संबंध में कैंट थाने में FIR दर्ज कराई जा चुकी है। गुना के धरनावदा में एक किसान को 2 बोरी यूरिया देकर उसके खाते में 11 बोरी खाद दर्ज करने का मामला सामने आया है। दरअसल यूरिया व अन्य खादों की खरीदी के लिए POS मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। माखन सिंह नाम के किसान ने धरनावदा के जैन कृषि सेवा केंद्र से 2 बोरी यूरिया लिया। इसके बाद उन्होंने POS मशीन पर अंगूठा लगाया। जब वह घर पहुंचे तो उनके मोबाइल पर 6 बोरी यूरिया और 5 बोरी SSP खरीदने का मैसेज आया। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत कृषि विभाग और CM हेल्पलाइन पर भी की। वहीं इस मामले में कृषि विभाग ने जांच शुरू कर दी है और विभाग ने दुकानदार को नोटिस भी जारी किया है। साथ ही मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया। बता दें कि इस मामले में दुकान का लाइसेंस रद्द करने की भी कार्यवाही की जा सकती है।
खबर गुना से है, जहां सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में महावीरपुरा के रास्ते पर एक नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सुबह गश्त के दौरान बस स्टैंड से कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई कि पुलिस पुल के वाई और महावीरपुरा के जाने वाले रास्ते पर एक नवजात का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलने के बाद तत्काल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर में विजयनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 30 लाख रुपए के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अभियुक्त राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनसे विजयनगर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा इनकम टैक्स के अधिकारियों को भी मामले की सूचना दी गई है। मंदसौर गोलीकांड के संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा पूरे देश सहित रीवा जिले के समस्त थानों में एक साथ ज्ञापन सौंपा गया। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा मांग की गई कि 6 जून 2017 को किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें सरकार के द्वारा यह दावा किया गया था कि गोलीकांड की जल्द से जल्द जांच की जाएगी और आरोपियों को सजा दी जाएगी। यही नहीं, गोलीकांड की चपेट में आए किसान परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी और सहायता राशि देने का भी वादा सरकार ने किया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसी के चलते संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आज महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मंदसौर गोलीकांड के साथ साथ सरकार द्वारा किसानों पर लादे गए कृषि कानूनों को जल्द से जल्द वापस लेने की भी बात कही गई। मंदसौर गोलीकांड की बरसी है। 6 जून 2017 को शिवराज सरकार ने गोली चलवाया था किसानों पर, जिसमें हमारे कई किसान साथी शहीद हुए थे। आज उनका शहादत दिवस है। संयुक्त किसान मोर्चे ने राष्ट्रव्यापी आह्वान किया है कि आज सारे देश में प्रत्येक थानों में राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम किया जाना है। और हमारी मांग है कि जो किसान शहीद हुए थे उनको सरकार ने वादा किया था कि एक सदस्य को नौकरी देंगे, आर्थिक सहायता देंगे और न्यायिक जाँच कराएंगे, वो जाँच अभी पूरी नहीं है। और सरकार अपने सैलाना कृषि उपज मंडी में कुछ अज्ञात लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि जब अंतिम माहेश्वरी अपनी दुकान पे पहुंचे तो उन्होंने दुकान का ताला टूटा हुआ पाया, जिसके बाद उन्होंने दुकान को चेक किया तो अंतिम माहेश्वरी की दुकान में 2 से 2.5 लाख रुपए की चोरी हुई। लगभग 15 दुकानों से 5 लाख के आसपास की चोरी हुई थी। चोरों ने दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया। चोरों ने घटना को रात में अंजाम दिया। वहीं आपको बता दें कि ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई है। सीसीटीवी में 3 चोर साफ तौर पर दिखाई दिए थे। अच्छा साहब, हम तो लोग यहाँ से चाला दुकान मंगल करके चले जाते हैं। रात को क्या, हमको सुबह 7 बजे करीबन फोन आया सेक्रेटरी महोदय का, बोला आपकी दुकान का ताला टूटे हुए, आकर चेक करा तो ये स्थिति बनी हुई। मेरी दुकान में कितने ताले लगा रखे थे आपने? 2 ताले लग रहे थे, 2 लाख लॉकिंग और 2 ताले सर टूटे ही मिला। जी साहब, कितना क्या नुकसान हुआ इसमें? मेरा कम से कम 2.5 लाख रुपए लगभग केस गया मेरा। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।